आज जैसे ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करके मोदी सरकार ने उन्हें जेल में डालने का काम किया है, और जेल में डालने के बाद भी इतना डर मोदी जी को लग रहा है। आपको तो लग रहा था आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी समाप्त हो जाएगी, अरविंद केजरीवाल जी अकेले, अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाला है आप लोगों ने। आपने इस देश के लोकतंत्र को जेल में डालने का काम किया है, देश की उम्मीदों को जेल में डालने का काम किया है। और ना अरविंद केजरीवाल झुकने वाले हैं, ना आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता झुकेगा, ना ये देश के लोग झुकेंगे। मोदी सरकार की तानाशाही को उखाड़ के फेंकने का ये लोग कब क्या काम करने वाले हैं, और देश के लोगों ने ठान लिया है। लेकिन आप सोचिए कि कितनी गंदी राजनीति के तहत उन्हें जेल में डालने का काम किया गया है। अरविंद केजरीवाल हमारे मुख्यमंत्री थे, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, वो हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री रहेंगे। अगर वो जेल से भी सरकार चलाएंगे, हम सब लोग काम करेंगे। असूलों पे जो आंच आए तो टकराना जरूरी है, अगर जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। आज देश की राजनीति में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी एकमात्र ऐसी शख्स और एक ऐसी मात्र पार्टी थी जिससे भाजपा, जो अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बोलती है, उसको डर लगता। और उनको पता है मन ही मन में कि अगर नरेंद्र मोदी नहीं तो वो हैं अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल ने एक चौथी फेल राजा को बोला कि तुम चौथी फेल राजा हो, ये कसूर है। और ये पिछले 2-2.5 साल से नरेंद्र मोदी रोज सुबह उठकर सबसे पहले ईडी से ये पूछते थे, कल गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, मुझे आज चाहिए। आपको बताऊं, हमारे देश का संविधान ये अलाउ करता है कि कोई भी शख्स जो जेल में है वो एमएलए एमपी का चुनाव लड़ सकता है, और अगर वो चुनाव लड़ सकता है तो मंत्री और मुख्यमंत्री बन सकते हैं। एक एक गली में, एक एक मोहल्ले में केजरीवाल पैदा होंगे, दुनिया के अंदर नंबर 1 ट्रेंड, आई स्टैंड विद केजरीवाल चल रहा है पूरी दुनिया के अंदर। बिल्कुल, अरविंद केजरीवाल इस देश की राजनीति बदलने आया है और हम सब उसके साथ हैं। और जब तक ये सिस्टम बदलेगा नहीं, ना हम डरेंगे ना हम रुकेंगे। ब्लैकमेल करके भाजपा ज्वाइन हमें नहीं करवा सकता कोई। एक्सटॉर्शन करते हो, ईडी का ब्लैकमेल करते हो। अरविंद केजरीवाल इस देश के सबसे ईमानदार नेता है, इस देश के सिस्टम को बदलने आए थे, और हम सब मिलके इस देश की राजनीति को बदलेंगे। अरविंद केजरीवाल दी गिरफ्तारी तो बाद जिथे भारी प्रदर्शन देखने नु मिल रहा, उथे ही हुन दिल्ली दी आम जनता अरविंद केजरीवाल दे हक च उतरी है। सिक्ख्या मंत्री हरजोत सिंह बैंस, जिन्हां नु थोड़ी देर पहला ही पुलिस दे वल्लों गिरफ्तार कर लिया गया सी, अते हुन उहनां दा इक बयान सामने आया है जिस विच उहनां ने केंद्र सरकार ते भारी तंज कसे ने। उहनां कहा है कि केस शराब घोटाले दा नहीं, बल्कि केस ए है कि जदों अरविंद केजरीवाल ने इन्नी गल आखी सी, चौथी फेल ही राजा है, ते इस गल नू लेके ही मोदी साहब रोज सवेरे उठ के ईडी तो सवाल करते ने, आखिरकार गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई। शराब घोटाला तो एक बहाना है। हरजोत सिंह बैंस का यह वड्डा बयान सामने आया है, थानू दिखाने हैं दिल्ली दे विच आम आदमी पार्टी दे कन्वीनियर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी तो बाद जिन्ना प्रदर्शन किया जा रहा है। सिर्फ आप वर्कर ही नहीं, आम आदमी पार्टी के हक च दिल्ली की आम जनता भी हुण उतर आई है। उठानी पड़ेगी हर नौजवान अब अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद।